सत श्री अकाल जी दा खालस टीवी देखने वाले देश दुनिया के साडे सारे दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत है। पंजाब दीआं खास खबरां दे खास बुलेटिन दे नाल मैं हरशरण कौर। अज 24 अक्तूबर है, दिन सोमवार है। नानक शाही संमत 554 के मुताबिक अज 8 कत्तक है। खबरां दे इस खास बुलेटिन दे विच तुहानूं सारियां वड्डियां ताज़ा ते अहम खबरां दसांगे। ते सब तो पहलां दिवाली अते बंदी छोड़ दिवस दीआं सारे दर्शकों नूं वधाईआं दिंदिआं। दिवाली खास तौर पर हिंदू भाईचारे का त्यौहार है। यह त्यौहार राजा राम के 14 साल का बनवास कट्टन तो बाद अपनी धर्मपत्नी सीता के नाल अयोध्या वापस परतन की खुशी दे विच मनाया जाता है। बंदी छोड़ दिवस सिख भाईचारे दे नाल जुड़िया होया है। मनिया जाता है कि इस दिन श्री गुरु हरगोबिंद साहिब ग्वालियर के किले 52 राजिया समेत रिहा होकर परते सन। उस दिन लोगों ने खुशी दे विच दीवे बाले सन। खास तौर पर सचखंड श्री हरिमंदर साहिब नूं रुशनाया गया सी अते इसे करके सचखंड श्री दरबार साहिब विखे हर साल बंदी छोड़ दिवस मौके लखां दी गिणती विच संगतां पहुंचदियां ने। एक कहावत भी है, दाल रोटी घर दी, दिवाली अमृतसर दी। अज भी संगतां इत्थे वड्डी गिणती विच पहुंच रही ने अते कल भी संगतां दी गहमा गहमी लगी हुई सी। ऐतकी वध रहे प्रदूषण ध्यान में रखते हुए सचखंड श्री दरबार साहब विखे सिर्फ कुछ मिनटों वास्ते ही आतिशबाजी होगी, क्योंकि प्रबंधकों को प्रदूषण मुक्त आतिशबाजी नहीं मिल रही। सचखंड श्री दरबार साहब के मैनेजर सुलखण सिंह पंगाली मुताबिक दरबार साहब विखे आतिशबाजी हर साल बहुत ज्यादा उचाई से जाके की जाती है, जो घट धूं पैदा करती है। ऐतकी आतिशबाजी का प्रदर्शन घट्टो घट समय के लिए होगा। अज बंदी छोड़ दिवस मौके श्री अकाल तख्त साहब के जथेदार वालों कौम के नाम संदेश भी जारी किया जाएगा। इसी तरह मुतवासी जथेदार भाई ध्यान सिंह मंड भी सिख कौम के नाम संदेश जारी करेंगे। श्रोमणी गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी के प्रधान एडवोकेट हरजिंदर सिंह धामी ने सिख संगत को बंदी छोड़ दिवस की वधाई दी है। दिवाली के त्यौहार का आम तौर पर लोगों नूं वाहवा ही चाह हुंदा है। पूरे भारत दे विच दिवाली नूं बड़ी ही धूमधाम दे नाल मनाया जाता है। इस मौके असीं जरूर अपील करांगे खालस टीवी दे वल्लों कि सारे सुरक्षित रहो, तंदुरुस्त रहो, पटाखे ना चलायो, ज़्यादा मिठा ना खायो। बाज़ारां दे विच खूब रौनकां लगियां होईयां ने। पिछले कई दिनों तो सड़कां ते पूरी भीड़ है, ट्रैफिक भी जाम ने। हालांकि ज़्यादातर दुकानां अंदर जाए तो खाली दिसदियां ने। कईयां दी दिवाली ऐतकी भी रंगली होवेगी, कईयां दे घर सुन्ने होणगे। किसान संगरूर दे विच बैठे ने, अज भी उत्थे ही दिवाली मनाउणगे। कई लोग काली दिवाली मनाउंदे भी नज़र आउणगे, क्योंकि पढ़ लिख के भी कई नौजवान रुजगार नूं तरसदे तरसदे अधखड़ उम्र तक पहुँच गए ने। असीं अरदास करदे हां सारिआं नूं रिज़क मिले, सारिआं नूं रुजगार मिले, सबर संतोख ते शांति मिले। शुभदीप सिंह सिद्धू मूसेवाला दे भयानक कतल तो बाद इंसाफ ना मिलण दे रोस दे विच ऐतकी मानसा जिले दे कई पिंड काली दिवाली मनाउणगे। अते शुभदीप सिंह सिद्धू मूसेवाले दा जिथे अंतिम संस्कार होया सी, उत्थे प्रशंसक सिरां ते कालियां पट्टियां बन के मशालां जला के मरहूम गायक नूं श्रद्धांजलि वी भेंट करनगे। वैरागमई कीर्तन भी होवेगा। मूसा पिंड वासियां ने तां 2 दिन पहलां ही ऐलान कर दिता सी कि काली दिवाली मनाई जावेगी। ते हुण होर पिंड जवारके तो इलावा बुरज ढिलवां, जोगा, रामदित्ते वाला, खोखर, सद्दा सिंह वाला, गेले, गागोवाल आदि कई पिंडां वल्लों भी काली दिवाली मनाउण दा ही फैसला लिया गया। सिद्धू मूसेवाले दे मापे अते उसदे लखां करोड़ां प्रशंसक लगातार इंसाफ उड़ीक रहे ने, जिहड़ा कि 5 महीनिआं तो बाद भी नहीं मिलदा दिखाई दे रहा। मूसा पिंड दे विच अज बाद दुपहरे 3 बजे तो लैके 6 बजे तक सिरां ते कालियां पट्टियां बन के ते हत्थां विच तख्तियां फड़ के प्रशंसक स्मारक दे कोल बैठणगे। इस मौके सतनाम वाहिगुरु दा जाप भी कीता जाएगा। किसानां दी गल कर लईए तां संगरूर दे विच जिहड़ा पक्का मोर्चा लग्गिया होया उगराहां जथेबंदी दी अगवाई दे विच, उत्थे अज किसान संघर्षी दिवाली मनाउणगे। मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान दी कोठी दे बाहर संगरूर दे विच पिछले 15 दिनां तो भी वध समा हो गया जदों तो किसान हज़ारां दी गिणती विच मोर्चे ते बैठणगे। अज रात नूं नाटकां दी पेशकारी भी कीती जावेगी ते सरकारां दीआं इह किसान मारू नीतियां ही ने जिस सदका ऐतकी भी किसानां नूं सड़कां ते ही दिवाली मनाउणी पवेगी। पिछले 2 सालां दा तुहानूं पता ही है कि किसान खेती जिहड़े कानून बणे सी उहनां नूं रद्द करवाउण दे लई सड़कां दे उत्ते बैठे हुए सन। हर त्यौहार किसानां दा सड़कां ते ही लंघिआ ते ऐतकी भी वड्डी गिणती किसानां दी दिवाली इत्थे ही लंघणी है। पंजाब दे मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान ने सारे पंजाबियों नूं हरी दिवाली मनाउण दा सद्दा दिता है अते दिवाली दे मौके सिर्फ ते सिर्फ पंजाब दे विच 2 घंटे ही पटाखे चलाउण दी इजाजत दित्ती गई है। अज रात नूं 8 बजे तो लैके 10 बजे तक ही पटाखे चलाए जा सकते ने। सरकार दे वल्लों सलाह दित्ती गई है कि सिर्फ वातावरण पक्षी पटाखे ही चलाए जाण।
जिहड़े कि बेरियम सॉल्ट जां एंटीमनी लीथियम मरकरी आरसैनिक लैड जां स्ट्रोंसियम क्रोमेट दे मिश्रण रहत हुंदे ने। अजिहे पटाखे ही चलाउण दी इजाजत दित्ती गई है। पिछले दिन भी सरकार ने कहा सी कि सिर्फ ते सिर्फ ग्रीन पटाखे 2 घंटियां लई चलाउण दी इजाजत दित्ती गई है। पर सवाल तां पैदा हुंदा कि दुकानां ते फिर विकदे क्यों ने? बरूद वाले पटाके जे सरकार चलाउण दी इजाजत नहीं दिंदी तां वेचण दी इजाजत क्यों दिंदी है? जे दुकानां ते लोकां नूं बरूद नाल भरे प्रदूषण वाले पटाके नहीं मिलणगे तां लोक खरीदणगे कित्थों? सो ऐलाना ते हकीकत दे विच फर्क तां बड़ा ही हुंदा है, पर आपां नूं सारयां नूं समझणा चाहीदा है कि पटाखियां दे बड़े हानिकारक प्रभाव पैंदे ने। जिथे जहरीलियां गैसां छड के वातावरण नूं प्रदूषित करदे ने उत्थे शोर प्रदूषण भी करदे ने। तुसीं देखदे हो कि छोटे बच्चे होण जां फिर जानवर होण, उह पटाखियां तों इस हद तक सहम जांदे ने, तुसीं सोच भी नहीं सकदे। सो वड्डे वड्डे बंब चलाउण तों परहेज़ करिओ, जनौरां दी भी थोड़ी जी परवाह कर लिओ। दिवाली कारण पंजाब दे हर शहर दे बाजारां दे विच भीड़ भड़का वधिया होण करके अद्धा दर्जन शहरां दे विच अलर्ट जारी किया गया है। पंजाब पुलिस ने सूबे दे विच अमन कानून की स्थिति नूं बरकरार रखण दे लई अलर्ट जारी करदिआं चौकसी वधाई है। पुलिस दे सीनियर अधिकारियों दे हुक्मां ते इन्हां शहरां दे विच ज़्यादातर भीड़ वालियां थावां ते धार्मिक अस्थानां दे मूहरे पुलिस मुलाजम PAP कमांडोस ते IRB नूं तैनात किया गया है। ऐतकी कुछ धिरां दे विचों दिवाली ना मनाउण दा सद्दा भी दित्ता गया, जिस कारण दो फिरकियां दे विच आपसी टकराव दा खदशा भी बनिया होया। इसे करके पुलिस ने साहिबजादा अजीत सिंह नगर मोहाली, पटियाला, लुधियाणा, जलंधर, अमृतसर, फिरोजपुर, बठिंडा दे विच खास तौर ते चौकसी रखण दे हुक्म जारी कीते ने। पुलिस का मनना है कि त्यौहारों के सीजन करके सूबे के सारे शहरों के भीड़ वध रही है, पर इन्हां जिलों के शरारती अंसर वालों माहौल खराब करने की कोशिश की जा सकती है। इस करके अज ते कल यानी कि 24 ते 25 अक्तूबर तक चौकसी वधाई गई है। पुलिस इस तरह तैनात रहेगी। पुलिस नूं हर समय नाकाबंदी करन दे हुक्म दिते गए ने। ड्रोनां राही तस्करी दीआं वध रहीआं घटनावां नूं देखदिआं वी इह हुक्म जारी कीते गए ने। सो जे तुसीं शहरां दे विच जा रहे हो, खास करके इन्हां शहरां दे विच, तां तुहानूं शहरां दे मुख चौंकां अते धार्मिक स्थानां दे बाहर पुलिस मुलाजम दिखाई देणगे। साहिबजादा अजीत सिंह नगर मोहाली दे विच आलमी शांति दा सुनेहा दिंदिआं कल दुनिया दा सब तों वड्डा दीवा रोशन कीता गया। प्रबंधकों ने दावा किया कि इस मौके 10,000 तो वध लोगों ने दीवे विच तेल पाया ते विश्व रिकॉर्ड बनाया है। करीब 1,000 किलोग्राम स्टील दे नाल तैयार किए गए विश्व के सब तो वड्डे दीवे का घेरा 3.37 मीटर है। इस शनिचरवार शाम नूं मुख मेहमान लैफ्टिनेंट जनरल सेवा मुक्त KJ सिंह ने रोशन किया। दीवा रोशन करके विश्व शांति, एकता, धर्म निरपक्षता ते मनुखता का सुनेहा दिता गया। समागम दे विच हीरो होम्स के 4,000 नागरिकां सने 10,000 लोगों ने हिस्सा लिया। दीवे दे विच 3,129 लीटर ऑरगैनिक ते दीवियां दे लई ढुकवां तेल पाया गया। इस समागम हीरो ग्रुप की इकाई हीरो होम्स के वलों करवाया गया सी। समागम दे विच गिनीस बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड के नुमाइंदे भी हाजिर सन। दिवाली ते बंदी छोड़ दिवस तो इलावा कुछ होर खबरां तुहानूं पंजाब दीआं दस दिंदे हां। पंजाब दे सेहत मंत्री चेतन सिंह जौड़ेमाजरा दे शहर विचले हस्पताल दा पानी ही पीण योग नहीं है। मंत्री जी का अपना शहर समाणा है, जिथे सरकारी सिविल हस्पताल विचला पानी लोगों के पीण लायक नहीं है। ये टैसट किसी होर को नहीं बल्कि पंजाब सरकार की लैब दे विच्चों ही करवाए गए ने। इस दौरान टैसट लई भेजे गए पीण वाले पानी के 5 सैंपल फेल हो गए ने। रिपोर्ट दे विच पानी नूं ना पीण योग करार दिता गया है। सैंपलों के बैक्टीरिया दसे गए ने, जिस नाल पेचिश की बीमारी होने का खतरा है। तो पटियाला जिले के पिछले समय से जे थोनू याद हो, पेचिश के 500 तो वध मरीज मिले सन, जिन्हों चो 4 बच्चों की मौत भी हो गई सी। सेहत विभाग के वलों हर हफ्ते फ्राइडे ड्राईडे के बैनर हेठ लोगों के घर दफ्तर से होर थावां ते जाके पानी की चैकिंग भी की गई है। मानसून के सीजन विच सेहत विभाग ने लोगों को हदायत की थी कि आपो अपने पानी के टैंक साफ करवाउण, पर इस सब के उल्ट सेहत विभाग का अपना ही पानी पीण योग नहीं है। SMO डॉक्टर रेशमा ने कहा है कि पानी के टैंक दोबारा साफ करवाए जा रहे हैं। उन्होंने पानी के सैंपल फेल होने की गल स्वीकार किया। सेहत मंत्री ने कल अपने जन्मदिन मौके रजिंद्रा हस्पताल ते मेडिकल कॉलेज पटियाला दा दौरा करके अधिकारियों नाल मीटिंग की ते हर पक्ष तों सुधार लियाउण दी ताकीद की। पंजाब दे विच वध रहे गैंगस्टरां दे प्रभाव नूं देखते हुए जेलां दे विच चौकसी वधा दित्ती गई है। खास करके गैंगस्टरां वाले जोनां दे विच 24 घंटियां विच 6 वारी चैकिंग की जाती है। उंज कैदियां ते हवालातियां वाले बैरक भी बाकायदा चैक किए जाते हैं। असल दे विच चैकिंग दा इह मामला पटियाला तो बाहरले जिले की एक जेल विचों एक गैंगस्टर वालों पाकिस्तान विच फोन करके कोई हथियार आदि मंगवाउण दी गल लीक होण तों बाद शुरू किया गया। तो यह हुक्म जेल मंत्री हरजोत सिंह बैंस दे वल्लों जारी किए गए ने। पंजाब भर दीआं खास करके वह जेलां जिथे गैंगस्टर बंद ने, उन्हां दे सख्त चैकिंग दे हुक्म दिते गए ने। सो दिन दे विच
तीन वारी दिने ते तीन वारी रात नू चेकिंग यकीनी बनाउण दे लई कहा गया है। हुक्म तो बहुत सख्त ने पर इन्हां ते अमल पुलिस अधिकारी जेल अधिकारी किन्ना करदे होणगे इह तां हुण जेलां दे अंदरों ही पता लग सकदा है। पंजाब दे मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान ने IAS ते IPS अधिकारियों नू सूबे दी पुरातन शान बहाल करन लई हर तरह दीआं कोशिशां करन दे आदेश दित्ते गए ने। कल चंडीगढ़ दे विच मुख्यमंत्री ने अधिकारियों दे नाल मीटिंग कीती अते कहा कि अधिकारी सूबा सरकार दी रीढ़ दी हड्डी ने ते इन्हां नू पंजाब दी तरक्की ते इस दे लोकां दी खुशहाली यकीनी बनाउण लई अपनी ड्यूटी मेहनत ते तनदेही दे नाल निभाउणी चाहीदी है। मुख्यमंत्री ने दिवाली मौके अधिकारियों ते उन्हां दे परिवारां नू शुभकामनावां दित्तियां अते सारे अधिकारियों नू चौकस रहण दा सद्दा दित्ता तां जो लोक रोशनियां दे त्यौहार नू पूरी धार्मिक शरधा ते उत्साह नाल मना सकण। उन्हां कहा कि अग लगन दीआं घटनावां नू रोकण लई पूरी सावधानी वरती जावे, कोई भी हादसा वापरन ते जान माल दे नुकसान नू घट्ट तों घट्ट करन लई उपराले तेज़ कीते जाण। दिवाली दीआं खबरां दसदे होए आपां जिक्र कीता सी कि कुछ लोग अज काली दिवाली मनाउणगे ते कुछ लोगों ने कल भी मना ली है। अध्यापक जथेबंदियों के वलों कल पंजाब के कई शहरों के मंत्रियों के घर मूहरे अर्थी फूक मुजहरे किए गए। डेमोक्रेटिक टीचर्स फ्रंट पंजाब, ETT अध्यापक एसोसीएशन पंजाब ते ODL अध्यापक यूनियन पंजाब दे सद्दे ते पूरे पंजाब दे अध्यापकां ने 9 कैबिनेट मंत्रियों दे घर मूहरे कल पंजाब सरकार दी अर्थी फूकदे होए काली दिवाली मनाई। संगरूर दे विच वित्त मंत्री हरपाल सिंह चीमा दी कोठी मूहरे 3 जिले संगरूर मानसा ते मलेरकोटला दे अध्यापकां ने पहुंच के रोस मुजहरा किया। प्रदर्शनकारी अध्यापकां ने दोष लाया कि मंगां दा हल करन दी थां सिक्ख्या मंत्री हरजोत सिंह बैंस उन्हां नूं धमका रहे ने। इसी तरह बरनाला दे विच उचेरी सिख्या मंत्री गुरमीत सिंह मीथियर, अमृतसर दे विच इंद्रवीर सिंह निज्जर, समाणा च सेहत मंत्री चेतन सिंह जौड़ेमाजरा, आनंदपुर साहब दे विच सिख्या मंत्री हरजोत सिंह बैंस, हुशियारपुर च ब्रह्म शंकर जिम्पा, मलोट दे विच डॉक्टर बलजीत कौर, गुरु हर सहाय विच फौजा सिंह सरारी ते पिंड कटारू चक पठानकोट दे विच लाल चंद कटारू चक दे घरां ते दफ्तरां दे मूहरे पंजाब सरकार ते सिख्या मंत्री दे अर्थियां फूकियां गईयां। उन्हां दे पुतले फूक के रोस मुजहरे कीते गए। अध्यापकों ने अपनियां मंगां हल करन दे लई चेतावनी दित्ती है। जे ना होईयां तां 6 नवंबर नूं आनंदपुर साहिब विखे सूबा पद्धरी रैली कीती जाऊगी। सिक्ख्या मंत्री दी कोठी दा घिराओ कीता जाऊगा। इसी तरह भुच्चो मंडी दे विच ठेका मुलाजम संघर्ष मोर्चा पंजाब दे बैनर हेठ गुरु हरगोबिंद थर्मल प्लांट लहरा मुहब्बत दे आउटसोर्सर ठेका मुलाजमां ने काले चोले पा के अपनियां मंगां दी पूर्ती लई थर्मल दे मुख गेट दे मूहरे केंद्र ते पंजाब सरकारां खिलाफ रोस रैली कढ़ी। इन्हां दी मंग है कि ठेका मुलाजमां नूं पक्का किया जाए, सरकारी विभागों का निजीकरण बंद किया जाए। दिवाली तो एक दिन पहला वड्डे हादसे भी वापरे ने। राजपुरा दे विच सड़क हादसे विच दादा पोती दी मौत हो गई जबकि दादी जख्मी हो गई है। दादा दादी ते पोती सारे मोटरसाइकिल ते जा रहे सन कि एक तेज रफ्तार कार ने उन्हां नूं पटियाला सरहंद बाईपास ते टक्कर मार दित्ती। पुलथ दे विच खसण माना तलवंडी रोड ते सड़क हादसा वापरिया है। लावारिस पशु कारण इहदे विच 2 नौजवानां दी मौत हो गई है, गुरप्रीत सिंह अते गुरदीप सिंह। गुरप्रीत सिंह दे पिता दी भी कुछ समा पहला मौत हो चुकी है जबकि गुरदीप सिंह दा कुछ समा पहला विआह होया सी। समाणा दे विच भी दिवाली तो एक दिन पहला किसान दे घर विच सोग पसर गया है। ट्राली च भरिया झोना लाउंदे होए लिफ्ट वाली ट्रैक्टर ट्राली मालक किसान ते ही डिग गई ते उसकी मौके ते ही मौत हो गई। किसान दा नाम अमर सिंह सी, 55 साल दी उम्र सी ते पिंड बम्मणा दा रहण वाला सी। अमरीका दे कैलिफोर्निया तो खबर है जिथे भोगपुर ब्लॉक दे पिंड लड़ोई दे नौजवान सतविंदरजीत सिंह दी हादसे कारण मौत हो गई है। उम्र सिर्फ 29 साल दी सी। सतविंदरजीत सिंह 2013 दे विच रोजी रोटी कमाउण लई अमरीका चला गया सी, ट्रक चलाउंदा सी। पता लग्या कि ट्राला चलाउंदे चलाउंदे नींद दा झोका आ गया, संतुलन विगड़न करके ट्राला पलट गया ते सतविंदरजीत सिंह दी मौके ते ही मौत हो गई। अज दे खास बुलेटिन दे विच कुछ होर खबरां तुहानू विस्तार नाल दसदे आं। खबरबंदी छोड़ दिवस मौके की गई एक अहम मंग दे नाल जुड़ी हुई है। बंदी छोड़ दिवस मौके जेलों के लंबे समय तो बंद ते अपनी सज़ा तो भी वध समा जेलों के कट चुके बंदी सिंघां दा मामला फिर तो उठ्या है। संगरूर हल्के तो लोकसभा मैंबर सिमरनजीत सिंह मान ने मुल्क के प्रधानमंत्री नूं चिट्ठी लिखी है ते बंदी सिंघां दी रिहाई की मांग की। अपनी चिट्ठी दे विच मान ने आज़ादी तो बाद हकूमत वल्लों सिखां नाल कीते धक्कियां ते जबर की गल करदिआं कहा कि भारत का विधान किसी भी नागरिक नूं वध समा जेल के अंदर रखने की इजाजत नहीं दिंदा। पर कई नौजवानों ते मंदी भावना नाल गलत परचे दर्ज किए गए ने। उन्होंने कई कई साल जेलों के सज़ा भुगतदियां हो गए ने पर फिर भी इन्हां दे हक्कां नूं छिके ते टांके प्रशासन ने हाले तक इन्हां नूं रिहा नहीं किया। मान ने यह भी खदशा जाहिर किया कि इस तरह हुक्मरान ते सिख कौम विचाले एक गुस्से वाला नफरती माहौल भी सिरजिया जा रहा है।
24 अक्तूबर नूं बंदी छोड़ दिवस का जिक्र करदिआं मान ने कहा कि 6वें पातशाह ने इस दिन ग्वालियर के किले विचों वड्डी गिणती विच पहाड़ी राजिआं नूं कैद विचों छुड़ा के बाहर लिआंदा सी। उदों तों ही सिख संगत खुशी दे विच दीवे बाल के गुरबाणी मुताबिक यह दिहाड़ा मनाउंदी आ रही है। उन्हां प्रधानमंत्री नूं अपील कीती कि इस दिन प्रधानमंत्री जिहड़े कि सत्ता विच ने उन्हां नूं वी बंदी सिंघां नूं रिहा करन दा हुक्म देणा चाहीदा है, तां ही हुक्मरान ते सिख कौम विचाले पैंदे जा रहे पाड़े नूं घट कीता जा सकदा है। मान ने उन्हां दी हिमाचल विच एंट्री बैन होण दा मुद्दा भी चुकिया ते कहा कि इस नाल पंजाबियां सिख कौम ते होर घट गिणतियां विच रोह दी भावना पैदा हो रही है। इस दरम्यान बीजेपी दे बुलारे ते साबका विधायक आरपी सिंह ने भी बंदी सिंघां दी रिहाई दी मंग कीती है। उन्हां लिखिया कि खड़कूबाद दौरान बहुत सारे सिखां ते केस दर्ज कीते गए, लंबे समय तों ओह जेलां दे विच बंद ने, हालांकि उन्हां ने अपनियां सजावां पूरियां कर लईयां ने, कई तां बिरध अवस्था विच चले गए ने, जिहड़े समाज दे विच इस वक्त कोई खतरा नहीं हन, सगों उन्हां नूं अपनियां लोड़ां दी देखभाल दे लई परिवारां दी सहायता दी लोड़ है। आरपी सिंह ने सारियां सूबा सरकारां नूं अजिहे मामलियां ते हमदर्दी नाल विचार करन दी अपील भी कीती है। बुलेटिन दी शुरुआत विच मिठाइयां खाण तों असीं तां वी मना कीता सी क्योंकि खबर मिली है कि पंजाब सेहत ते परिवार भलाई विभाग दे फूड सेफ्टी विंग ने लंघे 7 महीनों दौरान खाद पदार्थां दे जिहड़े 5297 सैंपल लए सी उन्हां विचों 1006 गैर मियारी पाए गए ने ते 74 सैंपल फेल हो गए ने। पंजाब दे सेहत मंत्री चेतन सिंह जोड़ामाजरा ने कहा कि फेल पाए गए सैंपलां विरुद्ध सख्त कार्रवाई की जाएगी क्योंकि पंजाब सरकार मिलावटखोरी नूं किसी कीमत ते बर्दाश्त नहीं करेगी। असीं फिर तुहानूं अपील करदे हां कि दिवाली दे मौके बहुत वड्डी मात्रा दे विच मिठाइयां वेचियां जांदियां ने, खरीदियां जांदियां ने, तोहफ़ियां दा आदान प्रदान मिठाइयां दे रूप च ज़्यादा हुंदा है, पर इन्हां मिठाइयां दे विच वरते जाण वाले खाद पदार्थ ने जिहड़े उह किहो जिहे वरते जांदे ने, किस तरीके दी मिलावट कीती जांदी है, किस हद तक मिलावट कीती जांदी है, इह आपां नहीं जाण सकदे। इस करके बिल्कुल ही पुख्ता जिहड़े जिन्हां दे सैंपल पास होए ने, जिहड़ियां दुकानां दा तुहानूं पता है कि इन्हां दुकानां दी चैकिंग दे दरम्यान इन्हां दे खाद पदार्थ बिल्कुल सुरक्षित पाए गए ने, उन्हां तों ही खाद पदार्थ लए जाण, मिठाइयां लईयां जाण, चंगी तरहां दे नाल चैकिंग करके लिया जावे। खास तौर पर ज्यादातर सुके पदार्थों का सेवन ही करना चाहिए क्योंकि सेहत तो जरूरी कुछ भी नहीं है। उधर संगरूर दे विच मुख्यमंत्री भगवंत मान की रिहायश के सामने किसान यूनियन के धरने विच दो किसानों की मौत नूं लैके कांग्रेस के सीनियर लीडर सुखपाल सिंह खैरा ने आम आदमी पार्टी की सरकार नूं घेरिया। खैरा ने ट्वीट करदिआं लिखा कि अरविंद केजरीवाल ते भगवंत मान ते सारे नकली क्रांतिकारियों नूं शर्म आनी चाहिए है। VKU उगराहां के दो किसान संगरूर विच मुख्यमंत्री के घर के बाहर 9 अक्तूबर तो धरने दौरान बैठे सन ते मारे गए सन, पर किसी ने उन्हां दी मौत ते अफसोस जां उन्हां दीआं मंगां बारे पुछण दी खेचल नहीं कीती। मोदी ते उन्हां विच कोई फर्क नहीं है। मरन वाले दो किसानां नूं 10 लाख रुपए की एक्सक्रेशिया ग्रांट ते कर्जा माफ़ी दी वी खैरा ने मंग कीती है। कहा कि जे पंजाब दे किसान कर्जे हेठ दब के मर रहे ने तां प्रचार ते करोड़ां रुपए खर्चन दा की मतलब बनदा है। ते संगरूर दे विच किसानां दा इह धरना लगातार जारी है। दिवाली वाले दिन, बंदी छोड़ दिवस वाले दिन भी किसानां दा धरना जारी रहेगा। इसी तरह बेरोजगार अध्यापकां दा भी अपनियां मंगां नूं लैके पंजाब सरकार विरुद्ध रोस मुजाहरा जारी है। इह सारे पंजाब दे वख-वख थावां तों अपने घरां चों आ के साहिबजादा अजीत सिंह नगर मोहाली दे विच एयरपोर्ट रोड ते पाणी वाली टैंकी दे थल्ले धरने ते बैठे ने। बेरोजगार PTI अध्यापकां ने रोस प्रदर्शन करदिआं इत्थे चक्का जाम कीता जिहदे नाल आवाजाई ठप्प हुई। अध्यापक पिछले कई सालां तों असामियां ते नियुक्ति दा इंतजार कर रहे ने। रोस प्रदर्शन कर रहे अध्यापकां ने कहा कि 1 साल पहलां भी उन्होंने अज दे ही दिन टैंकी ते चढ़ के रोस मुजाहरा कीता सी। उस वक्त तत्काली कांग्रेस की चन्नी सरकार ने भी उन्हां नाल मंगा मनण दा वादा कीता सी ते आम आदमी पार्टी भी आई सी कि जे साडी सरकार बन गई मंगा मन्नांगे, पर सरकार दी नलायकी करके कहिंदे सानूं मुड़ टैंकी ते चढ़ना पिया है। ਇੱਥੇ ਦੋ ਜਿਹੜੀਆਂ ਅਧਿਆਪਕਾਵਾਂ ਨੇ, ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰ ਕੁੜੀਆਂ ਨੇ, ਉਹ ਟੈਂਕੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਚੜੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ, ਜਦਕਿ ਬਾਕੀ ਸਾਰੇ ਟੈਂਕੀ ਦੇ ਥੱਲੇ ਪਿਛਲੇ ਕਈ ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਧਰਨੇ 'ਤੇ ਬੈਠੇ ਨੇ। ਪੰਜਾਬ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਬਿਊਰੋ ਨੇ 1 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦੀ ਰਿਸ਼ਵਤ ਮੰਗਣ ਵਾਲੇ ਹੌਲਦਾਰ ਹਰਮਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਖਿਲਾਫ਼ ਰਿਸ਼ਵਤਖੋਰੀ ਦਾ ਮੁਕੱਦਮਾ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਹ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਪੁਲਿਸ ਚੌਂਕੀ ਕਾਲਾ ਝਾੜ ਥਾਣਾ ਭਵਾਨੀਗੜ੍ਹ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਸੰਗਰੂਰ ਵਿਖੇ ਤੈਨਾਤ ਹੈ। ਉਕਤ ਹੌਲਦਾਰ ਹਰਮਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦੇ ਖਿਲਾਫ਼ ਸ਼ਿਕਾਇਤਕਰਤਾ ਪੱਪੂ ਸਿੰਘ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਮਲੇਰਕੋਟਲਾ ਦੇ ਪਿੰਡ ਬਾਗੜੀਆਂ ਦਾ ਰਹਿਣ ਵਾਲਾ ਹੈ। ਉਸਨੇ ਬਿਊਰੋ ਦੇ ਕੋਲ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਦਰਜ ਕਰਵਾਈ ਸੀ। ਦੱਸਿਆ ਸੀ ਕਿ ਉਕਤ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਇੱਕ ਕੇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਸਦੀ ਮਦਦ ਕਰਨ ਦੇ ਇਵਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਿਸ਼ਵਤ ਮੰਗ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਮੋਹਾਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਸ ਹੈੱਡਕੁਆਰਟਰ 'ਤੇ ਹੋਏ RPG ਹਮਲਾ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੁਲਿਸ ਨੇ 2 ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰਨ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਮੁੰਬਈ ਤੋਂ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤੇ ਗਏ ਮੁੱਖ ਦੋਸ਼ੀ ਚੜ੍ਹਤ ਸਿੰਘ ਤੋਂ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਸਦੇ 2 ਸਾਥੀਆਂ ਬਾਰੇ ਸੂਹ ਮਿਲੀ ਸੀ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰ ਲਿਆ ਗਿਆ। ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਇੱਕ AK-56 ਅਸੌਲਟ ਰਾਈਫਲ ਵੀ ਬਰਾਮਦ ਹੋਈ ਹੈ। ਫੜੇ ਗਏ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਦੀ ਪਛਾਣ ਸੈਯਦ ਮੁਹੰਮਦ ਤੌਸੀਫ ਚਿਸ਼ਤੀ ਉਰਫ ਚਿੰਕੀ ਵਾਸੀ ਅਜਮੇਰ ਅਤੇ ਸੁਨੀਲ ਕੁਮਾਰ ਉਰਫ ਕਾਲਾ ਵਜੋਂ ਹੋਈ ਹੈ।
डीजीपी गौरव यादव ने इसकी पुष्टि की है कि मुलजम चढ़त सिंह के खुलासे से पुलिस टीम ने एक एके 56 ते एक 30 बोर के पिस्तौल समेत 100 कारतूस बरामद किए ने। तरन तारण के पिछले दिन कतल किए गए नौजवान कपड़ा व्यापारी के कतल मामले के शामिल दोवें शूटर पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। हालांकि इस तो पहला रेकी करने वाले भी पुलिस के काबू चढ़ चुके हैं। एंटी गैंगस्टर टास्क फोर्स अमृतसर वालों सारी कार्रवाई की गई है। कतल की जिम्मेदारी विदेश बैठे लखबीर लंडा ने ली सी। डीजीपी पंजाब ने ट्वीट करके इस गिरफ्तारी की पुष्टि की। ट्वीट दसाया गया कि तरन तारण पुलिस सीपी अमृतसर से AGTF के सांझे ऑपरेशन के कपड़ा व्यापारी गुरजंट सिंह के कतल लई लंडा सत्ता गैंग के 4 मैंबर समेत 2 शूटर गिरफ्तार किया गया। इन्हों को 4 विदेशी हथियार भी बरामद हुए हैं। डॉक्टर रेडीज लैबोरेटरीज सिपला अरबिंदो फार्मा वर्गिया प्रमुख फार्मास्यूटिकल कंपनियां ने कुछ समस्यावां करके अमरीकी बाजार तो अपने वख-वख उत्पादों वापस मंगवाउण का फैसला लिया है। USFDA यानी कि US फूड एंड ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन की एक एनफोर्समेंट रिपोर्ट के मुताबिक डॉक्टर रेडीज लैबोरेटरीज की US यूनिट ने विटामिन के की कमी वाले फाइटोनोडियोन दियां 2,838 शीशियां वापस मंगवाईया ने। USFDA मुताबिक डॉक्टर रेडीज लैबोरेटरीज असफल स्थिरता निर्देशों करके अपने उत्पाद वापस मंगवा रही है। USFDA ने कहा कि इस तों इलावा सिपला की US आर्म आरफर मोट्रेल टार्ट्रेट इनहेलेशन सोल्यूशन के 9,041 डब्बे भी वापस मंगवा रही है। इसी तरह हैदराबाद स्थित अरबिंदो फार्मा की इकाई ऑरोमैटिक फार्मा LLC ट्रेनेक्सामिक एसिड इंजैक्शन दिया 88,080 शीशियां वापस मंगवा रही है। बीजेपी और कांग्रेस तो बाद आम आदमी पार्टी ने भी हिमाचल प्रदेश में होने वाली विधानसभा चोणों के लिए अपने स्टार प्रचारकों की सूची जारी कर दी है। 20 स्टार प्रचारकों की सूची के आम आदमी पार्टी के सुप्रीमो ते दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल भी शामिल ने ते पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान नूं भी स्टार प्रचारकों दे विच शामिल किया गया। इस दे नाल ही दिल्ली के डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया संजय सिंह संदीप पाठक राघव चड्ढा सतेंद्र जैन हरजोत सिंह बैंस पंजाब के कैबिनेट मंत्री दुर्गेश पाठक अजय दत्त सुरजीत सिंह ठाकुर हरपाल सिंह चीमा यानी कि पंजाब के कई कैबिनेट मंत्री शामिल किए गए हैं जिन्हों के चीमा गुरमीत सिंह मीथियर अमन अरोड़ा ते लाल चंद कटारू चक भी शामिल ने। हिमाचल प्रदेश दी 68 विधानसभा सीटां दे लई 12 नवंबर नूं इक पड़ा दे विच वोटां पैणियां ने। 26 दिन बाद 8 दिसंबर नूं वोटां दी गिणती होवेगी। दिवाली तो एक दिन पहलां भारतीयां नूं एक वड्डी खबर मिली है क्योंकि T20 विश्व कप दे विच भारत ने पाकिस्तान नूं 4 विकटां दे नाल हरा दिता है। विराट कोहली ने शानदार बल्लेबाजी की है। भारत ने पाकिस्तान नूं मेलबर्न क्रिकेट ग्राउंड दे विच मात दे दित्ती है। इस मैच दे विच पाकिस्तान दी टीम ने पहला बल्लेबाजी करते हुए 159 दौड़ा बनाईया सन। जवाब दे विच स्कोर दा पिछा करते हुए भारतीय टीम ने अपने दोवें सलामी बल्लेबाज दियां विकटां गुआ दित्तियां। कप्तान रोहित शर्मा दा पाकिस्तान खिलाफ फ्लाप शो जारी रहा। हारिस रॉफ ने रोहित नूं 4 दौड़ां दे निजी स्कोर दे उत्ते पवेलियन दा रस्ता दिखा दित्ता सी। पाकिस्तान दी टीम ने निर्धारित 20 ओवरां दे विच 8 विकटां गुआ के 159 दौड़ां बणाईआं तां पाकिस्तान दा आउट होण वाला पहला बल्लेबाज बाबर आजम सी जिस नूं अर्शदीप सिंह ने आउट कीता। बाबर बिना खाता खोले ही आउट हो गया। उस तों बाद मुहम्मद रिजवान भी सिर्फ 4 दौड़ां बणा के आउट होया ते उस नूं भी पंजाब दे शेर अर्शदीप सिंह ने आउट किया। अर्शदीप ने एक नहीं दो नहीं बल्कि 3 विकटा लिया। इसी तरह हार्दिक पांड्या ने भी 3 विकटा लिया जबकि मुहम्मद शमी ते भुवनेश्वर कुमार नूं एक एक विकट मिली। पाकिस्तान नूं अखीरले ओवर की तीजी गेंद ने हरा दिता। भारत के हक दे विच अचानक बाजी पलट गई। हालांकि अखीर तक लगता सी कि भारत शायद टीचा ना पूरा कर सके क्योंकि भारत नूं अखीर दे विच 21 गेंदा ते 50 दौड़ां चाहीदियां सी। कुल मिला के अर्शदीप इस मैच के हीरो बन गए ने। पंजाब दियां खास खबरां दे खास बुलेटिन दे विच तुहाडे सब तो इजाजत चाहुंदे आं। धन्नवाद।